Sorry, it's DJ. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकाराम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BRB फोटो एंड वीडियो। तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं वीडियो एडिटिंग लेकर आ चुका हूँ। बहुत ही शानदार व्हाट्सएप स्टेटस टेम्पलेट कलरफुल वीडियो एडिटिंग लेकर आ चुका हूँ, वो भी काइन मास्टर से। बहुत ही गजब का वीडियो एडिटिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और पूरा वीडियो देखेंगे आप भी समझ जाएंगे और आप भी खुद का टेम्पलेट वीडियो बना सकेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आसमान काइन मास्टर एप्लीकेशन पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और 9.16 के रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे आपकी मीडिया स्क्रीन पर। यहाँ पर आने के बाद में इमेज आर्टिस्ट पर आप क्लिक करेंगे और ब्लैक इमेज को आपको सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से ब्लैक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या है, इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। जितना आप वीडियो बना सकते हैं उतना इसकी ड्यूरेशन को है जो कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद में आपको स्टार्टिंग पोजीशन पर आएंगे, स्टार्टिंग पोजीशन पर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टिकर के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर स्टिकर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक लाइट इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऊपर स्टोर का ऑप्शन देख रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो लिमिटेड लाइट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और येलो वाली लाइट को सिलेक्ट कर लेंगे। येलो वाली लाइट को सिलेक्ट करने के बाद में इसको कुछ इस तरीके से जूम करेंगे, जूम करके ऊपर की और यहाँ पर इतना ले जाएंगे। फिर इसकी भी लेयर को है जो आपको बढ़ा देना है, यहाँ पर इतना बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद में यहाँ पर स्टार्टिंग पोज पर आएंगे, ऊपर 3 डॉट दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद में आपको साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रोटेट का, रोटेट के ऑप्शन क्लिक करके उल्टा कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से उल्टा कर देंगे तो दोस्तों आपका टेम्पलेट बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद में आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आप दोस्तों थोड़ा सा मैं प्ले करके दिखाता हूँ कितनी शानदार लाइट इफेक्ट है जो यहाँ पर आ रहा है। फिर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और एक लाइट PNG को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये लाइट वाली PNG इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके इसकी भी लेयर को है तो आपको कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है। यहाँ पर इतना बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, नीचे की साइड में स्क्रॉल किया तो यहाँ पर एक ब्लेडिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ब्लेडिंग के ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्लेडिंग के ऑप्शन क्लिक करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्क्रीन का है, तो स्क्रीन का ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको है जो यहाँ पर इस तरीके से जूम कर लेंगे। देन गाइस जूम करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना और यहाँ पर एक लाइट PNG को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इतना सिलेक्ट कर लेंगे और एक को है जो यहाँ लगा लेंगे। तो पहले तो और फिर आपको साबिक आइकन दिख रहा है, यहाँ पर साबिक आइकन पर टच करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर पहले ऊपर की ओर ले जाएंगे और इसको जूम कर देंगे। यहाँ पर फिर साबिक आइकन क्लिक करेंगे और थोड़ा सा आगे आ जाएंगे आप और यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर इस साइड में नीचे की ओर यहाँ ले आना है आपको। यहाँ पर लाने के बाद में थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइट PNG है इसको है जो खींच के साइड दूसरी साइड में ले आना है। तो यहाँ पर मैं दूसरी साइड में इस तरीके से ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से लाने के बाद में आपको थोड़ा सा आगे की ओर एंड पोजीशन पर आ जाना है। एंड पोजीशन पर आएंगे और इसको लाइट PNG को खींच के ऊपर की ओर यहाँ पर इस तरीके से ले जाना है। यहाँ पर इस तरीके से ले जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और दूसरी वाली लाइट PNG पर टैप करना है। तो यहाँ जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर साबिक आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आगे की ओर आएंगे। जैसे ही ये वाली लाइट जो हमने पहले मार्क की थी ये नीचे की ओर आ जाती है, इसको खींच के ऊपर की ओर यहाँ पर इस तरीके से ले जाना है, ठीक है। यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस से थोड़ा सा आएंगे, ये जैसे साइड में यहाँ पर आ जाती है तो इसको खींच के दूसरी साइड में ऊपर की ओर साइड में ले जाना है। जैसे स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखेंगे तो आप पूरा वीडियो समझ जाएंगे और आप भी ऐसी एक शानदार खूबसूरत वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ले आना है, इस तरीके से लाने के बाद में एंड पोजीशन पर आएंगे। जैसे ही ये वाली लाइट है जो ऊपर की ओर आती है तो इस लाइट को खींच के आपको नीचे की ओर यहाँ पर ले आना है। देन यहाँ पर लाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और स्टार्टिंग पोजीशन पर आएंगे और जो एक लाइट पर आप टैप करेंगे और आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडजस्टमेंट का, तो एडजस्टमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे की ओर आ जाएंगे और हब के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी मनपसंद आपका कलर है वो कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पर चेंज करने के बाद लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे और एक आपको टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है।
जिसे इफेक्ट वीडियो हम कहते हैं, इफेक्ट वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके इसको क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, ठीक है। रोटेट करके फुल स्क्रीन करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। देन यहाँ पर फुल स्क्रीन करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लडिंग का। तो ब्लडिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करके स्क्रीन यहाँ पर कर लेंगे। देन यहाँ पर स्क्रीन करने के बाद में आपको लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और एक बॉर्डर PNG को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बॉर्डर PNG है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से कोई सा भी एक बॉर्डर PNG है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमेशा ग्रीन स्क्रीन वेडिंग वीडियो एडिटिंग और व्हाट्सएप स्टेटस टेम्पलेट वीडियो एडिटिंग हमारे इस चैनल पर देखने को हमेशा नए नए मिलते रहते हैं। तो आप है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को भी मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये है जो इसकी लेयर को भी मैंने बढ़ा दिया है। फिर आपको नीचे आ जाना है, ब्लडिंग के ऑप्शन क्लिक करेंगे और स्क्रीन कर देंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप स्टेटस टेम्पलेट वीडियो है जो बनकर हो चुका है रेडी। तो अब थोड़ा सा मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ कितना शानदार और कितना ऑसम वीडियो है जो बन गया है। तो दोस्तों आप भी ऐसा वीडियो बना सकते हैं। तो मैं एक और वीडियो आपको है जो यहाँ पर बनाना सिखा देता हूँ, पार्ट टू। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वापस से काइनमास्टर पर आ जाना है। वापस से आने के बाद में आपको सेम प्रोसेसिंग यहाँ पर कर लेनी है और ब्लैक टेम्पलेट ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में 30 सेकंड तक आपको यहाँ पर रख देना है, जो भी आपको टाइमिंग पसंद हो वो रख रहेगा। फिर लेयर का ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर है जो एक लाइट को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक लाइट PNG है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली ग्रीन लाइट PNG इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको भी स्क्रॉल करके इसकी लेयर को भी बढ़ा देंगे। जितना आपका वीडियो है उस हिसाब से इसकी लेयर को है जो आपको यहाँ पर इतना बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद में आपको क्या करना है, इसको है जो नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लडिंग का। स्क्रीन के ऑप्शन क्लिक करेंगे और स्क्रीन के ऑप्शन क्लिक करके इसको जूम कर देना है। कुछ इस तरीके से आप जूम करेंगे। जूम करने के बाद में 3 डॉट पर क्लिक करेंगे ऊपर की और 3 डॉट दिख रहा है आपको, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट करें पहले साबिक आइकन क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको भी है जो मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रहने देते हैं, साबिक आइकन क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर इसको है जो कुछ इस तरीके से जूम करके यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर लाने के बाद में आपको है जो 3 डॉट पर क्लिक करेंगे डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करके दूसरी साइड में यहाँ पर ले आएंगे और बीच में ब्लैक शेडो आपको यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर रखने के बाद में नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप है जो यहाँ पर आ जाएंगे और एडजस्टमेंट का ऑप्शन क्लिक करके कलर को चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पिंक कलर है या ब्लू कलर, रेड कलर, जो भी आपको कलर पसंद आता है वो कलर, जैसे भी लाइन को आगे पीछे करेंगे तो कलर चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर को रख दिया है। रेड कलर को रखने के बाद में आपको लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको है जो कुछ इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर एक लाइट PNG है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लाइट PNG को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट नहीं, लाइट को करेंगे, ये टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो लाइट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं लाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में ऊपर की और कोने में आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर लगा देंगे, फिर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, सॉरी 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेयर को है जो कुछ बढ़ा देंगे। जितना आपका वीडियो है उस हिसाब से इसकी लेयर को भी आपको बढ़ा देना है। तो मैं यहाँ पर लेयर को बढ़ा देता हूँ। लेयर को बढ़ाने के बाद में 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर लेंगे। सेम प्रोसेसिंग आपको यहाँ पर करनी रहती है। तो यहाँ पर पहले तो ओवर लैमिनेशन पर क्लिक करके प्लस कर लेंगे और यहाँ पर इसको है जो उल्टा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर उल्टा करके इस वाले कोने में नीचे की ओर कोने में लगा देंगे, ठीक है, लगा देना है। लगाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर इस वाली जो लाइट PNG हमने लगाई थी फर्स्ट में उस पर क्लिक करेंगे, ओवरले एमिनेशन पर क्लिक करेंगे, ब्लिंक शो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ब्लिंक शो कर देंगे और ब्लिंक शो करने के बाद में दूसरी ओर लगा देंगे और ब्लिंक शो कर देंगे। यहाँ पर भी दूसरी साइड में भी आपको ब्लिंक शो के ऑप्शन पर क्लिक करके ब्लिंक शो कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर है जो दूसरी साइड में लगाता हूँ और यहाँ पर भी ब्लैंक शो कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरी वाली पर क्लिक करेंगे लाइट पर और यहाँ पर ओवर लैमिनेशन पर क्लिक करेंगे और ब्लिंक शो, यहाँ पर फ्लिकर या ब्लिंक शो आपको जो भी ठीक लगता है वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्लिंक शो कर दिया है। अब थोड़ा सा मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ कितना शानदार और अलग ही वीडियो हमारा है जो टेम्पलेट वीडियो DJ बन चुका है। तो इस तरीके से आप भी है जो बना सकते हैं। फिर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड में आपको टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट करके लगा देना है और फुल स्क्रीन आपको यहाँ पर कर देना है।
फुल स्क्रीन करने के बाद में ब्लेडिंग का ऑप्शन क्लिक करेंगे और ब्लेडिंग का स्क्रीन आपको यहाँ पर कर देना है। तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन कर दिया। अब दोस्तों देख सके कितना शानदार और कितना ऑसम हमारा वीडियो है जो बन गया है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि हमेशा की तरह ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ कुछ नए वीडियो, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।